हमारे इतिहास में कुछ ऐसी रहस्यमय किताबें लिखी जा चुकी हैं, जो कि सचमुच में आपको अलौकिक शक्तियों का मालिक बना सकती है। इन्हीं किताबों के पन्नों में छुपा है एंजल्स को बुलाने का, भूतों और आत्माओं से बातें करने का और अलौकिक शक्तियों को पाने का राज। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं 10 ऐसी रहस्यमय और जादुई किताबों के बारे में जिन्हें पढ़कर आपको मिल सकती है असीमित शक्तियाँ। लेकिन इन किताबों के बारे में जानने से पहले आप एक बहुत ही जरूरी बात जान लें, और वो ये है कि जिन किताबों के बारे में अभी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इनमें से ज्यादातर किताबों को लिखने के लिए ब्लैक मैजिक यानी कि काले जादू का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए ये किताबें जितनी ज्यादा शक्तिशाली हैं, ये उससे कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक भी हैं। इनमें से कई सारी किताबों को शैतानों और जिन्नों की मदद लेकर लिखा गया है। नंबर 10, दी पिकाट्रिक्स। इस किताब में कुछ ऐसे रहस्यमय मंत्रों और रिचुअल्स के बारे में बताया गया है जिनकी मदद से आप रियलिटी यानी कि वास्तविकता तक को बदल सकते हो। इस किताब में ये भी बताया गया है कि आप अलग अलग सितारों और प्लैनेट्स की शक्ति को हासिल करके कैसे अपने अंदर छुपी हुई अलौकिक शक्तियों को बाहर निकाल सकते हो। नंबर 9, दी बुक ऑफ शेडोज। इस किताब में कुछ ऐसे मंत्रों और रिचुअल्स यानी कि विधियों के बारे में बताया गया है जिनकी मदद से आप बुरी शक्तियों से खुद की रक्षा कर सकते हो, और साथ ही साथ इस किताब में कुछ ऐसी विधियों के बारे में बताया गया है जिन्हें करके आप खुद को और दूसरों को हील यानी कि ठीक कर सकते हो, यानी कि उनकी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हो। ये एक ऐसी शैतानी किताब है जिसकी मदद से आप बहुत सारी शक्तियों को हासिल तो जरूर कर सकते हो, लेकिन वो शक्तियाँ आपके किसी काम की नहीं होंगी। दी बुक ऑफ शेडोज नाम से आपको ऑनलाइन कई सारी किताबें तो जरूर मिल जाएंगी, लेकिन ये सारी की सारी नकली है, क्योंकि जो असली बुक ऑफ शेडोज थी उसे हाथों की मदद से लिखा गया था, क्योंकि इस किताब को बनाने वाले ये ऐसा नहीं चाहते थे कि आम लोगों के हाथों में ये किताब लगे और वो इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करें। नंबर 8, कोडेक्स गीगास। इस किताब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस किताब को शैतान ने खुद अपनी हाथों की मदद से सिर्फ और सिर्फ एक रात के अंदर अंदर ही लिखा था। ये किताब जो है वो पूरे 75 किलो की है और 91 सेंटीमीटर लंबी और 50 सेंटीमीटर चौड़ी है। इस किताब को लिखे जाने की कहानी बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। एक बार हुआ क्या था कि एक मॉन्क को एक राजा ने उसकी किसी गलती की वजह से अगले दिन ही फांसी की सजा सुना दी थी। तब उस मॉन्क ने खुद को फांसी की सजा से बचाने के लिए राजा से ये वादा कर दिया कि वो उसे सिर्फ और सिर्फ एक रात के अंदर अंदर ही एक ऐसी जादुई और तिलस्मी किताब लिख कर देगा जो कि राजा की महानता और उसके राज्य को पूरी दुनिया में मशहूर कर देगी। लेकिन जब वो उस किताब को लिखना शुरू करता है तब उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि एक रात के अंदर अंदर ऐसी किताब बना पाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए वो शैतान के साथ एक सौदा करता है। वो उसे कहता है कि वो उस किताब को लिखने के बदले में उसे अपनी आत्मा बेच देगा। उसकी आत्मा के बदले में शैतान जो है वो उसे सिर्फ और सिर्फ एक रात के अंदर अंदर काले जादू से भारी हुई एक किताब बनाकर देता है। इस किताब के एक पन्ने पर शैतान ने खुद अपनी भी एक तस्वीर बनाई थी जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी है। इस किताब को शैतान ने लिखा है, इसका सबूत ये है कि जब कुछ हिस्टोरियंस और वैज्ञानिकों ने इस किताब की जाँच की तब ये बात निकल कर सामने आई कि इस किताब को लिखने के लिए सेम स्पीड और बिना रुके हुए सिर्फ और सिर्फ एक हाथ की मदद से इसे लिखा गया है। जितनी मोटी और बड़ी ये किताब है उसके मुताबिक इस किताब को लिखने के लिए 10 से 20 सालों का समय लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस किताब की बनावट, इसके पन्नों और हैंडराइटिंग को देखकर ये बात समझ आ जाती थी कि इस किताब को किसी इंसान ने बिना रुके हुए सिर्फ और सिर्फ अपने एक हाथ की मदद से लिखा था, और ऐसा कर पाना किसी आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन है। इस किताब को श्रापित भी माना गया है क्योंकि जिन भी लोगों के पास ये किताब रही है और जिन भी लोगों ने इस किताब को पढ़ने की कोशिश की है वो पूरे तरीके से तबाह और बर्बाद हो गए हैं। नंबर 7, नॉस्ट्राडेमस। ये किताब जो है वो बहुत ही ज्यादा खास है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस किताब की मदद से आपको फ्यूचर यानी कि आने वाले भविष्य के बारे में पता चल सकता है। इस किताब के असली होने का सबूत यह है कि इस किताब में की गई कई सारी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी में होने वाला धमाका, हिटलर, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 कब होने वाला है, ये सारी की सारी चीजें पहले से ही लिखी हुई थी। इस किताब में गलकी अवतार के आने की भी भविष्यवाणी की गई है। एक बार इस किताब को चोरी भी कर लिया गया था, लेकिन मजेदार बात तो ये है कि चोरी होने के 15 सालों बाद ये किताब वापस से रोम की लाइब्रेरी वालों को मिल गई। नंबर 6, द नेक्रोमोनिकन। ये एक ऐसी शैतानी किताब है जिसे इंसानी खून और चमड़े की मदद से लिखा गया था। इस किताब के होने का कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन कई सारे हिस्टोरियंस लोगों का ये दावा करना है कि एक टाइम पर यह किताब सचमुच में एग्जिस्ट करती थी और ये पूरे तरीके से काले जादू और तंत्र विद्या से भरी हुई थी। नंबर 5, द फिलोसोफर स्टोन। इस किताब में कई सारे छुपे हुए खजानों के बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ एक ऐसे जादुई और तिलस्मी पत्थर का जिक्र किया गया है जिसे हम बोलते हैं पारस पत्थर,
और इस पत्थर की मदद से आप किसी भी चीज को छूकर उसे सोने में बदल सकते हो। ऐसा हो सकता है कि अब आप कहोगे कि अगर ये किताब सचमुच में होती तो जिस किसी के पास भी ये किताब होती तो वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। लेकिन दिक्कत की बात तो यह है कि इस किताब को हजारों सालों से देखा ही नहीं गया है और इस किताब को जिस भाषा में लिखा गया था उसे समझ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इस किताब को सिर्फ जिस इंसान ने इस किताब को लिखा था और उसके जमाने के रहने वाले कुछ खास लोग ही पढ़ सकते हैं। नंबर 4, द बुक ऑफ सोएगा। 16th सेंचुरी में लिखी गई 200 पन्नों की ये एक ऐसी किताब है जिसमें ये लिखा गया है कि आप कैसे भूतों और आत्माओं से बातें कर सकते हो, और साथ ही साथ इसमें कई सारी अलौकिक शक्तियों को पाने का भी जिक्र किया गया है। इस किताब में जो मंत्र दिए हुए हैं उनका उच्चारण करना यानी कि उन्हें बोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए इस किताब को कुछ खास चुने हुए लोग ही पढ़कर इसमें छुपी हुई अलौकिक शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। नंबर 3, द बुक ऑफ एब्रामेलिन। इस किताब को 15वीं सदी में लिखा गया था और इसमें इनलाइटेंड होने और अलौकिक शक्तियों को पाने के कई सारे तरीकों और विधियों के बारे में बताया गया है। लेकिन दिक्कत की बात तो यह है कि इस किताब में जिन विधियों यानी कि रिचुअल्स के बारे में बताया गया है उन्हें कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और अगर आप उन्हें करने में कोई छोटी सी भी गलती कर देते हो या फिर उनका कोई गलत इस्तेमाल करते हो तो ये किताब आपको पूरे तरीके से तबाह और बर्बाद कर रख देगी। नंबर 2, कोडेक्स सेराफिनियनस। इस किताब में ये बताया गया है कि आप पढ़ियो एंजल्स और भूतों और आत्माओं से बातें कैसे कर सकते हो और उनकी मदद से अपना मन चाहा काम उनसे कैसे करवा सकते हो। इस किताब को ऐसी भाषा में लिखा गया है कि उसे आज तक कोई भी इंसान समझ नहीं पाया है, लेकिन जो भी इंसान इस किताब को समझ पाएगा ये पूरी की पूरी दुनिया उसके मुट्ठी में होगी और वो कई सारी अलौकिक शक्तियों का मालिक बन जाएगा। नंबर 1, द की ऑफ सोलोमन। इस किताब को किंग सोलोमन के दौर में लिखा गया था क्योंकि किंग सोलोमन का जो दौर था उसमें जादू टोने जैसी चीजें जो थी वो बिल्कुल ही आम बात थी और वो अपने चरम सीमा पर थी। इस किताब में एंजल्स और राक्षसों को बुलाकर उनसे अपना मन चाह काम करवाने और कई सारे मंत्र भी लिखे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस किताब की शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसका दिल पूरे तरीके से साफ हो और जिसके इरादे नेक हो। अगर गलती से भी कोई बुरा इंसान इस किताब के मंत्रों और इसमें छुपी हुई शक्तियों का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए करता है तो इस किताब की जो रक्षा करने वाली एंटिटीज यानी कि जीव है वो उसे कहीं का नहीं छोड़ती है। ऐसा हो सकता है कि अब आप सोच रहे होगे कि अगर इतनी सारी किताबों में अलौकिक शक्तियों को पाने के इतने सारे तरीकों के बारे में बताया गया है तब तो हर किसी के पास सुपर पावर होनी चाहिए थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनमें से कई सारी किताबें जो है वो कहीं गुम हो चुकी है या फिर कुछ खास कम्युनिटी के लोगों ने उन्हें छुपा कर कहीं रखा हुआ है, या फिर अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपको इनमें से कोई किताब मिल भी गई तो इन्हें समझ पाना लगभग नामुमकिन है क्योंकि बड़े बड़े हिस्टोरियंस तक इनमें लिखी हुई लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं। और इन किताबों में अलौकिक शक्तियों को पाने के लिए जो मंत्र और विद्या बताई गई है वो इतनी ज्यादा खतरनाक और कठिन है कि उन्हें कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट करें और बताएं कि इन 10 किताबों में से आपकी मनपसंद किताब जो है वो कौन सी है। मेरी तो मनपसंद किताब दी फिलोसोफर्स स्टोन है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करें और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।